बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ सेपरेट एप्पल पाई की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सेपरेट एप्पल पाई बनाने में बहुत आसान है, हम आपके लिए लाए हैं रमज़ान की मुनासबत से, ताकि झटपट ये रेसिपी आप तैयार करें और रफ्तारी के टाइम इसको खाएं। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 2 कप मैदा, 1/4 कप नीम गरम दूध, आपने ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना, नीम गरम इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून दही, वो भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। और बटर, घी या ऑयल कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून, वो भी जमा हुआ नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। और 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टेबलस्पून यीस्ट, 1/2 टीस्पून नमक, 1 अदद अंडा, वो भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। ये तो हो गया डो का सामान, इसकी हम डो गूंद लेंगे। और इसकी फिलिंग के लिए 3 अदद सेब और 4 टेबलस्पून चीनी पिसी हुई, 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, ये तो इसकी हम पाई की फिलिंग करेंगे, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह। और 1 अदद अंडे की जर्दी, वो कोटिंग के लिए है, उसमें भी थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और उसकी कोटिंग करेंगे। तो अभी ऐसा करते हैं, जो फिलिंग है उसको साइड पे कर लेते हैं और डो को भून लेते हैं। सबसे पहले अंडा डाल लेते हैं, दही भी शामिल कर देते हैं। आप इसको परात में भी गूंद सकते हैं। डो ज़रा पहले पतली गूंदेंगे, फिर उसके बाद इसको हाथों से मसल के थोड़ा सख्त कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना, दरमियाना ही रखेंगे। तब इसमें बटर शामिल कर देते हैं, चीनी भी शामिल कर देते हैं। और नमक, नीम गरम दूध और मैदा, दो को आपने बहुत अच्छी तरह गूंदना है। जब हाथों से गूंदेंगे तो तकरीबन आपने इसको 10 मिनट तक मुसलसल हाथों से मसलना है। तो इसमें हम 3-4 मिनट करते हैं अच्छी तरह। ये देखिए इस तरह सॉफ्ट है, तो इसमें हम तकरीबन इसको शेल्फ पर डाल के तो 2 से 3 टेबलस्पून मैदे के साथ अच्छी तरह मसल लेंगे। और दरमियाने डो होगी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होगी। तो इसको भी निकालते हैं, फिर आपको मसल के दिखाते हैं। बस इस तरह मसलते जाना है आपने इसको। थोड़ा सा मैदा डाल लिया था हमने, तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको इस तरह मसलते जाना। इसको हमने घी लगा दिया थोड़ा सा, तो अब 2 घंटे के लिए इसको राइस होने के लिए रख देंगे डो को। अब 2 घंटे के लिए रख लेते हैं, उतनी देर में एप्पल की तैयारी कर लेते हैं। डो बड़ी अच्छी राइज हो चुकी है, ये देखें, तो इसको साइड पे कर देते हैं। एप्पल को छील लेते हैं इस तरह, फिर 1 एप्पल के 4 पीसेस करके थोड़ी आधी चीनी इसमें डाल के तो इसको कर लेंगे माइक्रोवेव में, 2 मिनट के लिए स्टीम करेंगे ताकि एप्पल गल जाए। सारे इस तरह कर लेते हैं, बल्कि 2 पीस करते हैं। थोड़ी सी चीनी शामिल करते हैं, और इसको ना किसी पैन में टेंडर कर लेते हैं। आपने तकरीबन 50% इसको गलाना है, या फिर माइक्रोवेव में कर लें। मैं इस वक्त इसको 2 मिनट माइक्रोवेव में लगाऊंगी मिक्स करके,
तो ठंडा होने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं, डो की भी स्टीम निकाल लेते हैं सारी। ये देखिए एप्पल हमने थोड़े से सॉफ्ट कर लिए हैं माइक्रोवेव में, तो ये साइड पे कर देते हैं, ठंडे भी हो जाएंगे तो फिर इसमें डो में शामिल करेंगे। और ये पैन को भी हमने बटर पेपर लगा दिया है, तो इसको भी इधर साइड पे कर देते हैं। और ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट कर देते हैं, सारी स्टीम निकाल देते हैं। ज़बरदस्त किस्म का ये देखें, बहुत अच्छी बेक हुआ है। अच्छी तरह इसकी स्टीम निकालने के बाद इसकी एक रोटी बेल लेते हैं। ये कटर रखा हुआ है, इस कटर की मदद से कटिंग कर लेंगे। और अंडे की जर्दी हमें चाहिए, सफेदी नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैदा डाल दिया तो इसको बेल लेते हैं। बस इस तरह बेल लिया हमने इसको अच्छी तरह, बहुत बारीक नहीं करना, बस इतना मोटा ही रखना है। तब इसकी इस तरह छोटी छोटी रोटियां निकाल लें इस तरह कटर से। अब कटर नहीं है तो ग्लास से कर लें, सारा इस तरह कर देते हैं। बस इस तरह सारे कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये सारा उठा लेते हैं, चीनी और दालचीनी का पाउडर मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह, तो ये एप्पल पे छिड़क देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बस इस तरह बीच में एक काश रखेंगे एप्पल की और इस तरह इसको प्रेस करके बंद कर देंगे। बस ऐसे जोड़ते जाना है आपने, सारे इस तरह तैयार कर लेते हैं। इसको ऐसे रखते जाएं। बस सारे इस तरह रख देंगे। बस इस तरह रखते जाएं आप, फिर इसके ऊपर अंडे की कोटिंग कर लेंगे। दूध और अंडे की कोटिंग कर देते हैं, ये देखें। बस अच्छी तरह इसको 10-15 मिनट के लिए पड़ा रहने देते हैं। उतनी देर में ओवन को प्री हीट कर लेते हैं, फिर ओवन में रखते हैं। इसको हमने 20 से 25 मिनट रख दिया था, तो ये अच्छा राइस हो चुके हैं, तो इसके ऊपर तिल भी डाल दिए हैं। तो अब इसको ओवन पे रख देते हैं। तो ओवन का हमने टेम्परेचर 180 डिग्री रखा है, तो इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट रखेंगे। चलिए ओवन में रखते हैं, अब इसको रख देते हैं। वैसे निकालते हैं, 25 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है, ये
बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, तो अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए उल्टा दिया है इसका, बस पेपर उतार देते हैं, फिर इसको सीधा कर लेंगे। ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे सनफ्लावर है, तो इसको सीधा करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। स्पेशल एप्पल पाई तैयार है, तो आपको दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत सॉफ्ट बना है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसका मुझे फ़ीडबैक देना है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।